News 18, India. उधर उत्तराखंड की हल्द्वानी में भड़की हिंसा पर धामी सरकार लगातार एक्शन मोड में है। धामी सरकार ने हिंसा की मजिस्ट्रेट जांच कराने का आदेश दिया है। जांच की जिम्मेदारी कुमाऊं कमिश्नर को सौंपी गई है, साथ ही 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। तो वहीं इस मामले में पुलिस ने 19 नामजद और 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और उपद्रवियों की पहचान कर उनकी तलाश भी की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं और 15 दिन में हिंसा की रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। उपद्रवियों की पहचान के लिए छापेमारी भी लगातार की जा रही है, उनकी तलाशी इस वक्त जारी है। कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, कुछ लोगों को इस बीच हिरासत में भी लिया गया है। ये बड़ी जानकारी उत्तराखंड के हल्द्वानी से हम आपको दे रहे हैं, जहां पर उपद्रवियों की धरपकड़ के लिए, उनकी पहचान के लिए लगातार छापेमारी जारी है। इस बीच हिंसा की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। कुमाऊं कमिश्नर को इस पूरे जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और सीधा रुख करें इस वक्त दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर अपडेट क्या है वो आपसे जानना चाहेंगे। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है, चिन्हित किया गया, क्या अपडेट? देखिए, देर रात को भी कई लोगों के घरों में छापेमारी की गई। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि अब कुछ राजनीतिक कनेक्शन भी यहां पर सामने आ रहे हैं और तार जो है जो उत्तराखंड है उसके पार यूपी की तरफ जुड़ रहे हैं और यूपी पुलिस से भी संपर्क में यहां पर उत्तराखंड पुलिस है और उत्तराखंड पुलिस ने यूपी के कई हिस्सों रामपुर, बरेली और उसके अलावा मुरादाबाद में डेरा डाला हुआ है कि वहां पर से कुछ, ये माना जा रहा है जो हम पहले से ही कह रहे थे पहले दिन से कि यहां पर बाहर के कुछ लोग आए थे जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया था, उसके बाद यहाँ से वो भाग गए थे और इसी वजह से अब यहाँ पर जो पुलिस है वो उन लोगों को टारगेट कर रही है जो लोग यहाँ पर हो सकते थे और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। और पुलिस का ये कहना है कि देर रात भी तकरीबन 20 से ज़्यादा लोगों के घरों में छापेमारी की गई थी, जो लोग, कुछ लोग फरार हैं और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं आज भी जो कर्फ्यू है, कर्फ्यू में हल्द्वानी के कुछ हिस्सों में बनबुलपुरा को छोड़कर दूसरी जगह पर ढील दी गई है। आज दूसरी जगह पर इंटरनेट सेवा सुबह बहाल की गई है और बीच में भले ही बंद हुआ था लेकिन इंटरनेट सेवा बहाल की गई है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों ने राहत की सांस ली होगी। लेकिन बनबुलपुरा का ये जो पूरा इलाका आपको दिखा दूंगा, ये सब सन्नाटे में अभी भी है क्योंकि पुलिस ने यहाँ पर कोई ढील नहीं दी है। लगभग यहाँ पर हजारों की संख्या में पुलिस बल है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, घर के चप्पे चप्पे गलियों में पुलिस फोर्स है, सन्नाटा पसरा हुआ है। तो कर्फ्यू में इन इलाकों में कोई ढील नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही है कि 15 दिन में रिपोर्ट देनी है कुमाऊं कमिश्नर को और इसके लिए यहाँ पर ये माना जा सकता है कि जल्द से जल्द उन असली चेहरों तक पहुंचना चाहते हैं पुलिसकर्मी, क्योंकि अब्दुल मलिक जो इस पूरे केस का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसके बगीचे, मलिक का बगीचा जिसको लेकर ये पूरा बवाल हुआ था कब्जे वाला, उसके बाद अब यहाँ पर सिर्फ कर्फ्यू और उसके अलावा जो छापेमारी है वो देर रात चली है और जो लोगों की अरेस्टिंग हुई थी अब तक 5 लोगों की अरेस्टिंग के लिए पुलिस ने बोला है, लेकिन आज कुछ और खुलासा होगा पुलिस की तरफ से। ठीक है दीपक, आप बने रहिएगा हमारे साथ, वहां पर स्थिति क्या है तस्वीरों के जरिए दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उनकी तरफ से एक बार फिर से ये बात कही गई है कि दंगाइयों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और हिंसा के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, ये कहा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। जिसने भी ये काम किया, जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया है, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा, बिना रुके बिना झुके लगातार काम करेगा। हम दंगाइयों को, हम दंगाइयों को नहीं बख्शेंगे और किसी भी हालत में नहीं बख्शेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं। कुछ दिनों में वो खुद ही समझ जाएंगे कि उन्होंने आग से खेलने की कोशिश की है जो उनको बहुत भारी पड़ेगी। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी दीपक विश्वकार जो लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। दीपक, मैं चाहूंगी कि आप तस्वीरें भी दिखाते रहें और सीएम का बयान इस बीच सामने आ चुका है। सीएम कह रहे हैं दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच वहां कैसी तैयारियां देखने को मिल रही है, क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है, ये भी बताइएगा। देखिए, देर रात भी मैं बताना चाहूंगा कि कई इलाकों में जो बनबुलपुरा की कई गलियां हैं, 1 नंबर से 17 नंबर गली है, इंदिरा नगर का एरिया है, इन इलाकों में देर रात भी छापेमारी की गई।
तकरीबन 1.25 लाख से ज्यादा का मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और इस इलाके में घुसना फोर्सेस के लिए बहुत लंबा एक टेढ़ी खीर कही जाती थी पहले से ही। और यहाँ पर छोटी तंग गलियाँ हैं और तंग गलियों के बीच में देर रात से लगातार SSB और उत्तराखंड पुलिस के जवानों के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के दूसरे जवान जो रिजर्व पुलिस है वो वहाँ अंदर डिप्लॉय हुई है। एक एक घर में अगर छापेमारी की जाती है तो तकरीबन 100 से 150 पुलिसकर्मी और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो एक साथ छापेमारी करने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 5 या 6 लोग जो है वो छापेमारी नहीं कर सकते हैं और इसीलिए खतरे को देखते हुए यहाँ पर छापेमारी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ पर ये बन रहा है कि जो लोग जो क्रिमिनल्स थे जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था वो दूसरे राज्यों की तरफ शिफ्ट कर गए हैं, क्योंकि हम पहले बता रहे थे रामपुर मुरादाबाद और बरेली यहाँ से बिल्कुल बॉर्डर के चिपकते हुए एरिया है और यहीं से अधिकतर लोग आते हैं और इसी वजह से पुलिस का जो अब ध्यान है वो उस तरफ है, क्योंकि कई ऐसे इनपुट मिले हैं कि जो हमलावर थे जो पुलिस पार्टी पर पत्थर फेंक रहे थे, आगजनी कर रहे थे, पेट्रोल पंप का इस्तेमाल कर रहे थे, ये सभी लोग दूसरे इलाकों से आ सकते हैं और इसी संदेह पर पुलिस की टीमें अब दूसरे इलाकों की तरफ भी जा रही है, मूवमेंट की गई है। लेकिन देर रात भी तकरीबन 20 के आसपास लोगों को उठाया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है, उनकी भूमिका की जांच की जा रही है, क्योंकि यहां पर जितने भी क्रिमिनल्स हैं, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि तकरीबन 5,000 से ज्यादा लोग रडार पर हैं पुलिस के और उनके खिलाफ अज्ञात माना जा रहा है और उनके खिलाफ पूरी तरह से एक्शन में पुलिस है, क्योंकि जिस तरह से थाने को जलाने की कोशिश की गई, पूरा जलाया गया, उसके बाद पुलिस कर्मियों को जिंदा जलाने की कोशिश यहां पर की गई थी, तो उसके बाद से ही पुलिस प्रशासन बिल्कुल बख्शने के मूड में नहीं है और CM धामी पहले ही कह चुके हैं कि दंगाइयों के खिलाफ पूरा एक्शन होगा और जिन लोगों ने तोड़फोड़ और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया उनसे ही उसकी भरपाई होगी। तो ये सारा एक्शन आज भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, और मुख्यमंत्री का बयान भी ये बताता है कि इस वक्त पूरे एक्शन में वहाँ पर प्रशासन दिखाई दे रहा है। बने रहिएगा हमारे साथ दीपक। इन सब के बीच उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखकर अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग कर दी है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में केंद्रीय सुरक्षा बल की 4 अतिरिक्त कंपनी तैनात करने की मांग है, जिसके जरिए हिंसा प्रभावित इलाके में कानून व्यवस्था एक बार फिर से बहाल करने की कोशिश की जा सके। सबसे बड़ी खबर है, ये खबर ये भी बताती है कि वहां पर अभी भी हालात तनावपूर्ण है, लिहाजा आपको ये बता दें कि वहां पर अभी भी कर्फ्यू है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैनात है, लेकिन 4 अतिरिक्त कंपनियां तैनात करने का मतलब ये है अर्धसैनिक बलों की कि वहां पर एक बार फिर से जैसी तस्वीर पहले होती थी हिंसा से पहले एक बार फिर से वो स्थिति लाई जा सके। तो 8 फरवरी को फैली हिंसा के बाद हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उपद्रवियों पर कार्रवाई के लिए उत्तराखंड सरकार और प्रशासन एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। उपद्रवियों की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी जारी है, तो वहीं साजिशकर्ताओं का पर्दाफाश करने के लिए मजिस्ट्रेट जांच भी शुरू हो चुकी है, जिसकी रिपोर्ट 15 दिन में सौंपनी होगी। इसके अलावा हिंसा प्रभावित इलाके में शांति बहाली के लिए केंद्र से अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग भी की गई है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उपद्रवियों पर लगातार एक्शन जारी है, कई लोग हिरासत में है और मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट 15 दिन के भीतर सौंपनी है। इस बीच तनावपूर्ण हालात को देखते हुए सुरक्षा बल की मांग की गई है, अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग भी की गई है। और दीपक ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, एक तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का ये कहना कि जो वसूली है वो उन्हीं लोगों से की जाएगी, दंगाइयों से ही की जाएगी, इसके क्या मायने यहाँ से दिखाई देते हैं और क्या इसको लेकर अब आगे बढ़ती हुई कोई कार्रवाई भी दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया गया है वहां पर। देखिए बिल्कुल, आज 4th दिन दंगे का है और इसी वजह से CM धामी ने पहले ही कह दिया था कि जिन उपद्रवियों ने इस पूरे कांड को अंजाम दिया है उनसे ही इसकी भरपाई की जाएगी, क्योंकि ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश में योगी शासन ने किया था और दंगों में दंगाइयों से ही उसकी भरपाई की गई थी और यहाँ पर भी ऐसा ही होने वाला है और ये जल्द ही शुरू होगा, अगले 1-2 दिन में ये शुरू हो जाएगी कार्रवाई। ये धामी ने कहा था कि जैसे ही चिन्हित किए जाएंगे उन लोगों के घरों में बुलडोजर चलेगा, ये कार्रवाई यहाँ पर निश्चित है और बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर यहाँ पर प्रशासन अपनी तैयारी पूरी कर चुका है, क्योंकि जिस तरह से CM धामी ने ये साफ कर दिया था कि जो जो चिन्हित किया जाएगा, जिन उपद्रवियों की पहचान हो जाएगी, उजागर हो जाएंगे, उनसे पूछताछ की जाएगी, उनकी भूमिका वहां पर जांची जाएगी, उसके बाद उनसे ही इस पूरी पब्लिक प्रॉपर्टी का पैसा वसूला जाएगा और उसके लिए चाहे अगर उनका घर है तो वो अवैध निर्माण में किया है तो उसको ढहाया जाएगा और उनसे ही पब्लिक प्रॉपर्टी का पैसा वसूला जाएगा और ये साफ निश्चित तौर पर है, ताकि उस तरह से अगली बार कोई उपद्रव
या कोई उपद्रवी इस तरह का प्लान ना कर सके, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा कांड हुआ था, साजिश रची गई थी, बाहर से लोगों को बुलाया गया था, ये सारी चीज़ें कवायद जो है यहाँ पर की जा रही थी। अब जो है यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस की टीमें अलग अलग जोन में जाकर काम कर रही हैं, अलग अलग इलाकों में जाकर काम कर रही हैं, क्योंकि देर रात जो बनभूलपुरा पूरा इलाका है ये काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है और यहाँ पर एक साथ पुलिसकर्मी जो है लगातार छापेमारी कर रहे हैं। आज कुछ रिकॉर्ड यहाँ पर पुलिस सामने कर सकती है पेश मीडिया के कि कितने लोगों की अरेस्टिंग और हुई है। जी ठीक है दीपक, आपका दोबारा से रुक करेंगे, कुछ और जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन इधर हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड बताए जाने वाले अब्दुल मलिक का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो नगर निगम के अधिकारी से बहस करते हुए नजर आ रहा है। दावा है कि ये वीडियो हिंसा वाले दिन यानी 8 फरवरी का ही है। आरोप है कि नगर निगम की टीम जब दल बल के साथ बनफूलपुरा इलाके में अवैध कब्जा हटाने पहुंची तो आरोपी मलिक से उनकी जमकर बहस हुई। अब्दुल मलिक नगर निगम की टीम को जमीन के दस्तावेज नहीं दिखा पाए थे और नगर निगम के अधिकारी लगातार उनसे जमीन के कागज मांग रहे थे। और एक और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने बड़ा दावा करते हुए ये आरोप लगा दिया है कि लव जिहाद के बाद लैंड जिहाद की साजिश रची जा रही है। हल्द्वानी हिंसा इसका एक बड़ा उदाहरण है। पुरानी बीमारी को ठीक होने में समय लगेगा। उन्होंने ये कहा कि सरकार लव जिहाद के बाद लैंड जिहाद पर कार्रवाई कर रही है तो लोगों को दर्द भी हो रहा है। बीमारी बहुत पुरानी है, जिस प्रकार से इस देश में लव जिहाद बहुत बुरी तरह से हावी रहा उसी तरह से हिंदुस्तान में लैंड जिहाद भी हावी है। लव जिहाद के बाद सरकारें लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करेंगी तो लोगों को दर्द होगा ही, पर ऐसी घटनाओं से बचना चाहिए। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से, ये बड़ी खबर आपको दे दें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश से सामने आ रही है।